हाय फ्रेंड, आप सबका फूड टेक चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। यहाँ पे आप जो ये प्लेट देख रहे हैं, ये हमारी ग्रेवी का इंग्रेडिएंट है। तो मैं आपको सबसे पहले, ये मेरे पास जो है वो है सूखा धनिया, ये गीला नारियल है जिसका मैंने शेल निकाल कर और इस तरीके से काट के ले लिया है। ये मैंने हरी मिर्च लिए, यहाँ मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग मिर्च यूज़ कीजिए। वहीं मेरे पास दालचीनी है और चक्री फूल के कुछ यहाँ पे कली है। यहीं मेरे पास अखरोट है, वहीं मेरे पास जीरा है, आप देख सकते हैं जीरे की क्वांटिटी। और वहीं मेरे पास एक बड़ी इलायची है, यहाँ पे मेरे पास जावित्री है और काली मिर्च है और ये शाही जीरा है। ये जो कुछ भी है मेरे पास, मैं इसे पैन में डाल के हल्का सा भून लूँगी, उसके बाद मैं इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना कर लूँगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे क्या होगा। वहीं मेरे पास तड़के के लिए यहाँ पर है एक बड़ी इलायची और बड़ी दालचीनी का टुकड़ा और एक पूरा चक्री फूल और नॉर्मल सा जीरा। तो यहाँ पर मेरे पास है बारीक कटा हुआ कांदा, बारीक कटा हुआ टमाटर, वहीं मेरे पास यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, वहीं पे मेरे पास तड़के के लिए तेल है, शाही जीरा है, कलर के लिए हल्दी है, कस्तूरी मेथी का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और जो सॉल्ट है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। वहीं मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये सिर्फ कलर के लिए है, ये स्पाइस नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास जो अब मेरा इंग्रेडिएंट आया है वो है ग्रीन पीस यानी हरे मटर। ये मैंने फ्रोजन वाले यूज़ किए हैं जो पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो कुछ इस तरीके से था, ये आधा किलो का पैकेज है मैंने लिया था। तो ये फ्रोजन है, आपके पास अगर फ्रेश अवेलेबल है तो आप फ्रेश यूज कीजिए। तो वही मेरे पास यहाँ पे है पनीर, आप देख सकते हैं ये मेरे पास 200 ग्राम का पैकेट है, ये यहाँ पे मैं दो पैकेट यूज़ कर रही हूँ। आपको इसे कट कैसे करके लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक और मसाला है, आप देख सकते हैं ये कि गरम मसाला है सुहाना का, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा होता है, इसका फ्लेवर टेक्स्चर और टेस्ट भी अच्छा होता है। ये मेरे पास सुहाना का मटर पनीर मसाला है मिक्स वाला, वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने एक पैकेट पनीर अपना है वो जो काट के ले लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ इसका, ये देख लीजिए। इसी तरीके से आपको आपके पनीर को कट करना है, आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, मैंने थोड़ा नॉर्मल से छोटा रखा हुआ है। तो अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। आपको इसे मैरिनेट कैसे करना है, इसके मैरिनेशन के लिए आपको यहाँ पर यूज़ होगा ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इसका मैरिनेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ पनीर के मैरिनेशन के मसाले। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने एक चम्मच तक लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर लिया है और यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये कलर वाला है, स्पाइस नहीं है। वहीं पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी हल्दी की ऐड करूँगी, आधा चम्मच। वहीं पर मैं ऐड करूँगी इसमें सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मेरा पनीर में जो नमक है वो अच्छे से चला जाए वो उतना। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लेमन, यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ लेमन, पूरा आधा लेमन यूज़ कर रही हूँ। उसके बीज आप निकाल लीजिए, मैंने पहले ही उसके बीज निकाल दिए है, इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। वहीं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच, यहाँ मैं तीन चम्मच तक एक तेल ऐड किया है इसमें, सबको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। आप नमक पनीर के अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा नहीं, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको मैं बता दूं, जब आप पनीर का मैरिनेशन करेंगे तब उसे आपको रेस्ट पे रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप उसको पैन में डाल के टॉस करेंगे। तो अब मैं अपना इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, पनीर को हल्के हाथों से हैंडल कीजिए, काफ़ी सॉफ्ट होता है वो। हल्के हाथों से आपको सारा पनीर इस तरीके से कोट करके ले लेना है और उसे 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रेस्ट करने रख देना है। तो यहाँ मेरा पनीर जो है वो अच्छे से मैंने कोट कर लिया है, अब मैं इसे ढककर रेस्ट पर रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, ये प्लीज़ आप कीजिए ताकि जो मसाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद मैं पैन में इसे डाल के हल्का सा टॉस दूंगी। यहाँ पे मैंने अपना पैन गरम कर लिया, अब इसमें मैंने आपको जो प्लेट दिखाई थी वो प्लेट में से मैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, हमारा नारियल। इसे मैं अच्छे से भून कर ले लूँगी ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा खिल के आए,
और ये हल्का सा कुक हो जाए ताकि जब मैं इसे ग्राइंड करूँ तो इजीली ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ मैंने नारियल को साइड में कर लिया क्योंकि उससे वक्त लगेगा। वहीं दूसरी साइड में अपना बाकी का सारा इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। इनको भूनने के लिए वक्त नहीं लगेगा, ये फटाफट से हो जाएगा। तो इसे आपको हल्का भून के लेना है, बस जैसी फ्लेवर आए वैसे आपको इसे पैन से निकाल लेना है। मैंने यहाँ अपने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है और अभी मैं यहाँ पे मेरा जो फ्लेम है वो लो है क्योंकि मेरा पैन काफ़ी गर्म है, मुझे मसाला भूनना है जलाना नहीं है, इसीलिए हल्के हाथों से आप इसे चला चला कर भून लीजिए। तो यहाँ मेरा मसाला भून चुका है, अब मैं इसे ठंडा करके इसका पेस्ट बनाकर ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन गरम कर लिया, अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा पनीर जो कि पिछले 15 मिनट से रेस्ट पे था। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही ग्रीसिंग के लिए, ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपका पैन दूसरा तो आप उसमें ग्रीसिंग ऐड कर सकते। तो यहाँ मैं एक ही बार में अपना सारा पनीर ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसे ऐसे स्लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी, लीड नहीं लगाऊंगी। आपको इसे लो फ्लेम पे ही यूं ही अच्छे से स्प्रेड करके ले लेना है पैन में। आप इसे लीड नहीं ढकेंगे, ऐसे ओपनली कुक करेंगे, हल्का सा टॉस देंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर मेरा जो पनीर है वो रेडी हो चुका है, अब मैं कर रही हूँ अपना फ्लेम ऑफ और ये पैन में यूं ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसे मैंने ओवर कुक नहीं किया, तो ऐसे ही रहेगा पैन में। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट की ओर। तो यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई गर्म करने रख ली है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस चम्मच से 3 से 4 चम्मच तेल ऐड करूँगी। मेरी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तेल डालते से ही इसमें से धुआं उठ रहा है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा और अच्छे से गर्म हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे अपना जो तड़के का मैंने आपको मसाला बताया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा मसाला भून गया है, अब मैं इसमें कांदा ऐड कर रही हूँ। कांदे को हल्का सा भून लेंगे। मेरा जो फ्लेम है हाई फ्लेम है, फ्लेम का ध्यान रखिए। अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा हमने पनीर में भी नमक ऐड किया हुआ था, तो नमक ध्यान से डालिए क्योंकि मुझे कांदे का अच्छा कलर चाहिए, इसीलिए मैं इसे नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ मेरा कांदा जो है वो अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे कुछ सूखे मसाले जैसे कि कलर की लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 चम्मच, आधा चम्मच तक हल्दी ऐड करेंगे। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने घर में ही बना के लिया, वो ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। सबको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। हाई फ्लेम पर आपको इसे अपने चला चला कर भून कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हमारा सूखा धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, मैंने आपसे बताया था सुहाना का मसाला वो ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फ्लेम हाई रखा है। यहाँ मैंने आपको प्लेट बताई थी मसाले की, तो वही मेरे मसाला यहाँ पे पीस के ले लिया अच्छा सा पीस जो कि अब मैं अपने इस मसाले में ऐड कर रही हूँ। सबको अच्छे से ऐड कर लेना है, मिक्स कर लीजिए। फ्लेम मैंने अभी स्लो कर दी है। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें पानी डालने की जरूरत है तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड कीजिएगा, ज्यादा नहीं क्योंकि हमको मसाला भून कर लेना है, इसीलिए बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी पानी का ऐड कर रही हूँ ताकि जो मेरा मसाला है वो जल ना जाए, इसीलिए क्योंकि मैं इसे भूनना चाहती हूँ और वो नमी थोड़ी सी चाहिए मुझे यहाँ पे भूनने के लिए, इसीलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। उसमें हल्का सा लिक्विडी कर लिया है, अब मैं इसे फिर से ढककर कुक करूंगी स्लो गैस पर। यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढका था, बीच में चेक भी किया था, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला है वो भून चुका है क्योंकि कितना अच्छे से इसने ऑयल छोड़ दिया है और पैन में हल्का हल्का स्टिक भी होना शुरू हो चुका है। मेरा फ्लेम लो था, मैंने लो फ्लेम पर इसे ढककर रखा था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर जो मैंने काट के लिया था, इसे आपको मिक्स कर लेना है। फिर इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो ग्रीन पीस है वो वाला,
मैंने फ्रोजन यूज़ किया, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप प्लीज़ फ्रेश यूज़ कीजिए। सबको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। मेरा फ्लेम अभी तक स्लो ही है, लो ही फ्लेम है, ध्यान दीजिए फ्लेम पे, नहीं तो आपका मसाला जल सकता है। मैं फिर से इसे ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे ताकि मेरा जो टमाटर है वो थोड़ा सा कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने साइड में पानी गर्म करने रखा था। आप सोच रहे हैं पानी कलर ऐसा क्यों है, जिसमें मैंने ग्राइंडर में जिस भांडा में मैंने अपना मसाला पीसा था उसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें यूज़ किया हुआ है ताकि उसमें जो लगा हुआ मसाला है वेस्ट ना हो। तो ये पानी मेरा गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ मेरे पैन में लिए आप देख सकते हैं तेल, ये भून चुका है, इसमें मैं पानी ऐड कर लिया क्योंकि मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए। पानी गरम ऐड करते से ही इसमें उबाल आना शुरू हो गया। इसका कुकिंग प्रोसेस है वो हमने कम कर दिया है, टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएगा अब इसका क्योंकि हमने गरम पानी ऐड किया हुआ है। तो अब मैं इसका लीड नहीं ढकूंगी, मेरा फ्लेम रहेगा हाई और ये हाई फ्लेम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरा पनीर जो कि मैंने हल्का सा टॉस करके ले लिया था। अब हम इसे तो यहाँ पर मेरी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। वहीं साइड में मैंने अपना कस्तूरी मेथी भुनने रख दिया था जो कि अच्छे से भुन चुकी है, आप देख लीजिए। अब मैं इसे एक स्ट्रेनर में डाल रही हूँ और आपको अपने हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करना है। इससे होगा ये कि अच्छा सा मतलब जो अनवॉन्टेड है वो ऊपर रह जाएगा और जो ज़रूरी है वो नीचे चला जाएगा, स्ट्रेन आउट हो जाएगा। भूना इसलिए गया है मेथी को ताकि उसमें क्रंची बनाए और इजीली वो क्रश हो सके। इस तरीके से आप इसमें ऐड कर लीजिए क्योंकि कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसलिए ऐड ज़रूर करिए। इसमें आपकी जो डिश है उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर ही अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कस्तूरी मेथी ऐड हो चुकी है। अब मैं धनिया और पुदीना ऐड करके इसमें वाइंड अप कर दूँगी और मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने डिश को अच्छे से सर्व कर लिया है। कैरेट के मैंने यहाँ पे थोड़े से यूज़ किया हुआ है सर्विंग के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है हमारा रेसिपी आज का जो है। आज की जो मैंने आपके साथ रेसिपी सर्व की है या जो मैंने शेयर किया है वो रेसिपी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये ज़्यादा करके आप देख सकते हैं शादियों में ये रेसिपी होती है और काफ़ी अभी कंटिन्यूस फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके घर अगर गेस्ट आएंगे तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं, आप उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।